नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब बात होती है शादी की, जब बात होती है कुंडली मिलाने की, तो सबसे पहले जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो है मंगल दोष। कहते हैं कुंडली मांगलिक है, कुंडली मिला के शादी करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत अशुभ हो जाएगा। आखिर क्यों मंगल दोष विवाह के मामले में इतना महत्वपूर्ण होता है? मंगल दोष होता क्या है और मंगल दोष का जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, आज इन तमाम चीजों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लिए दैनिक राशिफल की स्थिति क्या है और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और बताएंगे आपको सफलता का एक बहुत विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। 21 जून 2023, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 3:09 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 21 जून 2023 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और मंगल विद्यमान है कर्क राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि है फिलहाल कुंभ राशि में, बृहस्पति राहु मेष राशि में विद्यमान है और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। आगे हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला दिन, आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है, आखिर मंगल की विवाह के मामले में इतनी ज्यादा भूमिका क्यों होती है? देखिए, अन्य चीजों के अलावा मंगल भावनाओं का स्वामी है। इमोशंस को बढ़ा देना, इमोशंस को घटा देना, इमोशन को तेज कर देना, ये मंगल का काम है। अब मंगल चूंकि इमोशन वाले पार्ट पर भी, खास तौर से महिलाओं के इमोशनल पार्ट पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, इसीलिए जीवन की, वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। आपके विवाह के बाद के संबंध और वैवाहिक जीवन आपका कितना प्रभावित हो रहा है, यह देखा जाता है और इसी को देखने के लिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल जब कुंडली के कुछ विशेष भाव में बैठता है, कुछ विशेष खानों में बैठता है, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, जब इन भाव में मंगल बैठता है तो हम कहते हैं कि कुंडली मांगलिक है। अब लोगों का ऐसा मानना है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराइए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आएंगी, बड़ी दिक्कत होगी। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे में नहीं है,
तो जिसके में नहीं है उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके जीवन पर संकट आ सकता है। यानी मंगल दोष को लेके लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि मंगल को समझेंगे नहीं कि कारण क्या है, बस मंगल दोष है तो सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि मंगल असर डाल कितना रहा है जिंदगी पर, और अगर वाकई में ज्यादा असर डाल रहा है तब उसके लिए सोचने की जरूरत है। मंगल की स्थिति ऐसी है कुंडली में कि वो ज्यादा असर डाल ही नहीं सकता, तो जब वो असर डाल ही नहीं सकता भैया, तो मंगल दोष का होना ना होना एक ही बराबर है। मंगल दोष पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उससे बचिए। हरे फल का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज के मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो मंगल दोष होता क्या है, क्यों होता है, ये समझा। अब वास्तव में अगर आपकी कुंडली मांगलिक है या आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर वास्तव में कैसा असर डालेगा। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, इसीलिए विवाह पर इसका प्रभाव होना एक समस्या पैदा करता है। मंगल और सूर्य दोनों क्रूर ग्रह हैं और अगर ये विवाह से संबंध रखते हैं तो समस्या होती है, लेकिन मंगल और सूर्य की तुलना में अगर मंगल का प्रभाव होगा तो समस्या ज्यादा होगी। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है वहां पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। अगर मंगल दोष एक आदमी की कुंडली में है, मान लिया पति की कुंडली में है, पत्नी में नहीं है, तो जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा उसके साथ आपका तालमेल खराब हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़े हाइपर होंगे, थोड़े एग्रेसिव होंगे, थोड़े रूलिंग होंगे, और दूसरे पक्षकार के साथ इसी एग्रेशन की वजह से, डोमिनेशन की वजह से तालमेल में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। मंगल दोष के साथ अगर शनि का संबंध हो तब दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो सकती है, ये रेयर कंडीशन है। केवल मंगल दोष की वजह से पति पत्नी की मृत्यु हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हां उसमें शनि भी आ गया, अष्टम भाव पर असर भी पड़ गया, तब इसको हम कहेंगे कि भाई ये मंगल दोष पति या पत्नी की आयु के लिए खतरा है। मंगल अगर सूर्य की वजह से अस्त हो या मंगल पर बृहस्पति का प्रभाव हो
तो ये दोष कमजोर हो जाता है। पहले भी आपको बताया कि सिर्फ मंगल को देख के मत कहिए कि मंगली दोष है, पहले आप देखिए तो कि उसकी कुंडली में मंगल का असर है भी या नहीं है। अब मान लिया मंगल अस्त हो गया है, अस्त होने का मतलब सूर्य के साथ बैठा है, बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, तो वो विवाह को प्रभावित नहीं कर पाएगा। या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो मंगल इतना शुभ स्थिति में आ जाएगा कि वो विवाह पे असर नहीं डाल पाएगा। मंगल कुपित हो तो वैवाहिक जीवन टूटता चलता रहता है, यानी मंगल दोष हो, थोड़ा प्रभावशाली हो, तो वैवाहिक जीवन कभी अच्छा कभी बुरा। और मंगल हिंसा पैदा करता है, वायलेंस पैदा करता है, जिन पति पत्नी के बीच में मारपीट होता है, फिजिकल असॉल्ट होता है, वहां पर आप ये मान करके चलिए कि मंगल की भूमिका जरूर होगी। मंगल दोष के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें करना अभी बाकी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में कोई लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखेंगे। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होता दिख रहा है, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परीक्षा के जो परिणाम आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बनेंगे, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मंगल दोष होता क्या है, मृत्यु का जीवन का इससे क्या संबंध है, ये सब समझ लिया हमने। अब ये समझें कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है मंगल दोष के प्रभाव की। देखिए, मंगल दोष हर स्थान पर एक समान अशुभ नहीं होता। मंगल दोष कैसे बनेगा, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश, यानी एक दो तीन चार पांच, पांच जगहों पर मंगल के बैठने से पांच अलग अलग तरीके के मंगल दोष बनेंगे। लेकिन हर स्थान का मंगल दोष एक बराबर बुरा नहीं होगा। लग्न का जो मंगल दोष है और अष्टम भाव का जो मंगल दोष है ये ज्यादा अशुभ होता है। चतुर्थ भाव का जो मंगल दोष है और द्वादश भाव का जो मंगल दोष है ये मंगल मध्यम फल देता है। सप्तम भाव का जो मंगल दोष है वो प्रॉपर्टी के मामले में, पैसे के मामले में काफी सहायता करता है लेकिन सेहत बिगाड़ता है, इसलिए सप्तम भाव का मंगल मिले जुले परिणाम देता है। और मंगल दोष कुछ मामलों में लाभकारी भी होता है। सामान्यतः शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के मामले में मंगल लाभकारी होता है। मंगली जो लोग होते हैं वो बड़े साहसी, बड़े करेजियस होते हैं। अगर ठीक तरीके से मिलान करके विवाह किया जाए
तो मंगल दोष का प्रभाव लाभकारी हो जाता है। दो तीन बातें मंगल दोष के बारे में जान लीजिए। एक बात तो ये कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मंगली का विवाह मंगली से भी हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जिस स्थान पर एक आदमी की कुंडली में मंगल है, अगर दूसरे आदमी की कुंडली में उस स्थान पर सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो मंगल दोष भंग हो जाएगा, चाहे वो मंगली हो चाहे वो मंगली ना हो। दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट आजकल सुनने में आ रहा है, डबल मंगली, ट्रिपल मंगली। अरे भैया, ऋषि पराशर ने या तमाम ऋषियों ने, आचार्यों ने मंगल दोष का उल्लेख किया है, लेकिन ये डबल मंगली ट्रिपल मंगली कुछ नहीं होता है। आदमी या तो मंगली होता है या तो नहीं होता है। ये आंशिक मंगली भी कुछ नहीं होता है। आदमी या तो मंगली है, पूरी तरह से है, या तो बिल्कुल मंगलिक नहीं है। इसको आपको समझ लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए देंगे आपको एक सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, बेवजह का पारिवारिक विवाद भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रोज सुबह जब भी आप नाश्ता करते हैं, एक चम्मच शहद एक गिलास पानी के साथ लीजिए। अगर आप रोज ऐसा करते हैं, शुद्ध शहद लेते हैं जल के साथ, तो ये कोलेस्ट्रॉल और हृदय की समस्या में बहुत लाभकारी होगा। अगर आपको हृदय की समस्या है या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो रोज सुबह नाश्ते के बाद एक चम्मच शहद पानी के साथ लेना बहुत लाभकारी होगा। चलिए अब जान लेते हैं 21 जून 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। इक्कीस जून बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए। एक लड्डू का चाहिए, एक का लगाइए, दस का चाहिए, दस का लगाइए। लेकिन 21 जून बुधवार को प्रातः स्नान करके भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, और घर से निकलते समय उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
नमस्कार।